हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान से काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है, TGT एंड PGT की वैकेंसी आई है। और अगर हम आयु सीमा की बात करें तो वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष की जो है छूट दी गई है। PGT के लिए जो है जनरल कैटेगरी में अगर कोई पुरुष आवेदन करना चाहेंगे तो 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बट वुमेन के लिए चाहे वह PRT के लिए अप्लाई करें, TGT के लिए करें या PGT के लिए, 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन और सैलरी वगैरह सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में चेक करने वाले हैं। तो जैसे ही मेन वेबसाइट पर आप आएंगे, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की, परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय भारत सरकार, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर वर्ष जो है यहाँ से वैकेंसी आती ही है। तो यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन चेक करने के लिए रिक्रूटमेंट पर जो है क्लिक करेंगे, या फिर थोड़ा नीचे भी आप आएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को न्यू इसमें नजर आ जाएगा। कुछ समय पहले ही जो है प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी आई थी तो उनकी जो है मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अभी नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ गया है 7 मार्च 2024, और लिंक फाइल यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप लोगों को इसे क्लिक करना है। पोस्ट, यहाँ पोस्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है। तो पोस्ट में PGT में इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, मराठी की है, PGT मैथ्स की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स की, PGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। उसके बाद TGT में इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर टीचर, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, PRT की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर्स की भी वैकेंसी है। ठीक है, आयु सीमा में जो है छूट दी गई है SC ST को 5 वर्ष की, OBC 3 साल की, वुमेन कैटेगरी को 10 वर्ष की छूट दी गई है। किसी भी कैटेगरी की हो, वुमेन कैंडिडेट को 10 साल की छूट है। अभी हम देख लेंगे कि मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी की कितनी है, फिजिकल हैंडीकैप की एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो सबसे ऊपर देखेंगे, ये देखिए 40 वर्ष जो है मैक्सिमम एज है PGT के टीचर्स की, यानी यहाँ पर जो है आप 10 साल प्लस कर लें, वुमेन कैटेगरी की 50 वर्ष है ऊपरी आयु सीमा में छूट। TGT की 35 ईयर है, PRT और प्री प्राइमरी टीचर्स की 30 ईयर है। तो इसमें 10-10 वर्ष जो है आप जोड़ सकते हैं यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं। सैलरी जो है बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय की तरह है। PGT के टीचर्स को 27,500 पर मंथ, TGT के टीचर्स को 26,250, एंड PRT या प्री प्राइमरी टीचर्स की जो है सैलरी है 21,250। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय की तरह ही जो है सभी नियम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन जो है ये क्या कह रहे हैं। PGT इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में, हिंदी के लिए हिंदी में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, इसी तरीके से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है। PGT बायोलॉजी के लिए जो है बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ा हो, और लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ये इनमें से आप देख लें कौन सा जो है आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पर। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है जिसमें BE और BTEC कंप्यूटर साइंस या IT से, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री डिप्लोमा है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। MSc कंप्यूटर साइंस वाले या MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बी लेवल फ्रॉम DOIC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड PG डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो। सी लेवल फ्रॉम DOIC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। अभी जो है PGT के लिए BEd कंपलसरी है, बट कंप्यूटर के लिए जो है इन्होंने कहा है कंप्यूटर साइंस के लिए, PGT के लिए जो है BEd जरूरी नहीं है। नेक्स्ट TGT के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर
टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ी हो, साथ में बीएड और सीटेट चाहिए। इसी तरीके से सोशल साइंस के लिए है, ग्रेजुएशन में आपके 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक तो कंपलसरी है ही, ठीक है, साथ में बीएड और सीटेट। इसी तरीके से टीजीटी हिंदी, संस्कृत का, मराठी का, मैथ्स का, बायो का, इलेक्ट्रिकल सभी का है। कंप्यूटर के लिए जो है बीएड कंपलसरी नहीं है। टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए तो भी अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आपने जो है बैचलर डिग्री, स्नातक आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया है 50% मार्क्स के साथ में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। लाइब्रेरियन के लिए भी जो है बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, 50% मार्क्स जो है आपके यहाँ पर कहे गए हैं। पीआरटी के लिए आप देखें 12th कहा गया है और साथ में जो है आपके पास 2 साल का डिप्लोमा आपने डीलेड किया है, बीएलएड किया है या डीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक में बैचलर डिग्री म्यूजिक में, या फिर 12th में अगर आपने 12th पास हैं आप और डिप्लोमा है आपके पास अगर 2 साल का म्यूजिक में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ में तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है 12th मांगा गया है और इंग्लिश आपने 12th में पढ़ी हो, साथ में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन एनडीटी आपका किया हो, डीईसीएड किया हो, प्री स्कूल एजुकेशन हो आपका, या फिर बीएड नर्सरी वाले भी जो हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। आयु सीमा में छूट, सैलरी, क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं चयन कैसे होगा। तो रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है स्किल टेस्ट के लिए जो है ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं। रिटन टेस्ट के लिए जो है इन्होंने जगह, टाइम और डेट बता दिया है पहले से ही, 15 मार्च 2024 तो मुंबई में ही होगा। और ये जो अलग अलग स्कूल हैं जहां पर भी आपका सेंटर पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, लेकिन सभी के एग्जाम जो है 15 मार्च को ही होगा। इन्होंने लिखा है रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड, उसी दिन जो है आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि आपके स्कोर क्या रहे हैं। 15 मार्च को ही स्कूल की जो मेन वेबसाइट है परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, उसी पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्किल टेस्ट जो है कब होगा, तो ये अनाउंसमेंट भी होगा, तो इसके लिए आप लोगों को लिंक पर जाकर बार बार चेक भी करते रहना होगा। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन कैसे आपको चेक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर नोटिस सर्कुलर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है, उसका लिंक मिल रहा है, और थर्ड नंबर पर एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2024-25, थर्ड नंबर पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और ये जो है फॉर्म आपके सामने होगा, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को और फिल करना है और फिर भेज देना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ में। एड्रेस जो है क्या रहेगा, तो एड्रेस जो है वो सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा।
तो चलिए, और भी जो है वैकेंसी जैसे ही जारी होती हैं, जितनी भी स्टेट में शिक्षण भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे, लगातार आप लोगों को सूचना दी ही जा रही है और आगे भी दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द जो है जो भी जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, जॉब समय पर उनकी लग सके। थैंक यू।